पंचायत राज सशक्तिकरण, इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी, भारत सरकार के मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी, भारत सरकार के मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, अन्नपूर्णा देवी अन्नपूर्णा देवी जी, इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, श्रीनगर के सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी, इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री निर्मल सिंह जी इस कार्यक्रम में पधारे, सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जी, अरविंद सावंत जी, जुगल किशोर जी, रामप्रीत मंडल जी, और इस कार्यक्रम में पधारे डीडीसी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डीडीसी के सदस्य, बीडीसी के चेयरमैन सदस्य, हल्का पंचायत के सरपंचगण, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारा कार्यक्रम देश में हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से किस तरीके से लोगों की जिंदगियों को बेहतर कर सकते हैं, हमारी पंचायतें जवाबदेही हो, जवाबदेही के साथ काम आपकी करे, चेयर हमारी पंचायतों के फंक्शन सुचारू रूप से चले, इसकी चर्चा संवाद के लिए यहां पर आए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मैं आज ऐसे केंद्र शासित प्रदेश में आया हूं जो दुनिया का सबसे खूबसूरत प्रदेश है। हम इसे धरती का स्वर्ग कहते हैं। हमारी कश्मीर की वादियां, यहां की झीलें, यहां की प्राकृतिक सौंदर्य और विशेष रूप से कश्मीर की जीवंतता, ऊर्जा और उसके साथ यहां के लोगों की शालीनता, देश के प्रति प्रतिबद्धता और संकल्प शक्ति, ये यहां की खूबियां हैं। जम्मू कश्मीर अब शांति, समृद्धि और प्रगति की ओर बढ़ रहा है। यहां की लोकतांत्रिक संस्थाएं और सशक्त हो, मजबूत हो, इसके लिए सभी संस्थाएं सामूहिक मिल से काम कर रही है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। लोकतंत्र हमारी जीवन पद्धति में है। लोकतंत्र हमें आजादी के बाद नहीं मिला। लोकतंत्र इस देश की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता है। वर्षों तक हमारे गांव के अंदर लोकतंत्र
जीवन की पद्धतियां हैं, हमारे हर कार्य में लोकतन बसा है, और यही कारण है कि प्राचीन काल में भी जब निर्णय होते थे तो सामूहिक निर्णय होते थे, सबकी सहमति से निर्णय होते थे, और उस निर्णय को सभी लोग मानते थे। ये परंपराएं हमारी हमेशा रही है। आज भी दुनिया के अंदर शासन चलाने की सबसे महत्वपूर्ण पद्धति मानी जाती है तो लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में आज भी हमारा देश सारे विश्व में मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। हमने आजादी के 75 साल में चल रहे हैं, इस 75 साल में हमारा लोकतंत्र और सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। लोकतंत्र की संस्थाओं में जनता की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है, और यही कारण है कि आज गांव की पंचायत में भी जिस सक्रिय भागीदारी के साथ हमारी पंचायतें काम कर रही है, जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है, इससे हमारी आर्थिक और सामाजिक प्रगति बढ़ी है। ये सही कहा फारूक अब्दुल्ला जी ने कि ये देश विशाल भी है, विविधतापूर्ण भरा हुआ भी है। हमारी अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म हो सकते हैं, हमारा खान पान रहन, हमारी भौगोलिक स्थितियां अलग अलग है, लेकिन विविधता को जोड़ने का काम करता है तो लोकतंत्र करता है। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाएं, देश की सबसे लघु संस्था पंचायत आज जनता के प्रति जवाबदेही से काम कर रही है, लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन के लिए काम कर रही है, और इसीलिए ये लोकतांत्रिक संस्थाएं सशक्त हो ताकि हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक इन संस्थाओं के माध्यम से उनका कल्याण कर सकें। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मेरा दायित्व है कि जनता से चुनी हुई सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं सशक्त हो, मजबूत हो, पारदर्शिता हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो, और इन संस्थाओं के माध्यम से हम किस तरीके से जीवन बेहतर कर सकते हैं, इसलिए हमें सामूहिक रूप से इन संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कार्य करना होगा, और इसीलिए हमारे देश के अंदर जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता से संवाद होता है, चर्चा होती है, और चर्चा और संवाद के बाद हमारी पंचायतें कार्य योजना बनाती है, और इसीलिए हमारा सबसे मजबूत ढांचा का पंचायत बनेगा तो हम देश में जितने भी बनने वाले कानून, नीतियां, कार्यक्रमों को ठीक से क्रियान्वयन कर पाएंगे, क्योंकि जनता से सीधा अगर संवाद रहता है, जनता से सीधी जुड़ी अगर संस्था कोई रहती है तो पंचायत रहती है।
और इसलिए पंचायतें सशक्त रहनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मैं पहलगांव में कल गया था तो वहां मुझे पंचायत राज के प्रतिनिधि मिले थे, डीडीसी के चेयरमैन, बीडीसी के चेयरमैन, हल्का पंचायत, और किस तरीके से पंचायत की तीनों संस्थाएं सामूहिकता के साथ, समन्वय के साथ वहां विकास की योजनाएं भी बना रही है, उसके साथ आर्थिक रूप से लोगों को रोजगार मिले, नौजवान आत्मनिर्भर हो, महिलाएं आत्मनिर्भर हो, इसके लिए भी ये पंचायतें व्यापक कार्य योजना बना रही। मैं छोटे से गांव में भी गया तो उस गांव के अंदर भी जिस लोगों की अपेक्षाएं जगी, आकांक्षा जगी है, उनको लगता है कि इन अभावों को दूर करने से हम देश विदेश के पर्यटकों को और आकर्षित कर पाएंगे। ये आकांक्षा और दूर दराज के गांव के लोगों के अंदर भी जगी है। इसलिए मैंने उपराज्यपाल महोदय को कहा है कि इस प्रदेश के अंदर देश विदेश के पर्यटक आते हैं और ये पर्यटक केवल श्रीनगर में नहीं, पहलगांव में नहीं, उन दूरदराज के गांव में भी जाना चाहते हैं, वहां देखना चाहते हैं कि किस तरीके से कश्मीर का प्राकृतिक सौंदर्य तो है सही, लेकिन यहां के काम करने वाले चाहे महिला हो चाहे नौजवान हो, उनकी हस्तकला, शिल्पकला, उनके बनाए हुए वस्त्र, यहां के कृषि उत्पादकों को भी वो खरीदना चाहते हैं। और इसलिए आवश्यकता है कि हम इन सारे उत्पादकों को, चाहे एग्रीकल्चर बेस हो, चाहे मानव संसाधन द्वारा करे हुए तैयार हो, इन सब उत्पादकों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बाजार मिले, इसके लिए भी हमारी इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को काम करने की आवश्यकता है। और इसके लिए लोकतांत्रिक संस्थाएं काम कर रही है, वहां बैठकर योजना बना रही है, छोटे छोटे एससीजी ग्रुप, महिलाओं के ग्रुप अपने गांव में आत्मनिर्भरता के लिए कार्य योजना बना रहे हैं। हमारे नौजवान छोटे छोटे स्टार्टअप तैयार कर रहे हैं, अब वो गांव में रहकर रोजगार दे सकें, इसके लिए आत्मनिर्भर होने के लिए काम कर रहे हैं। और ये कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, यहां बहुत पोटेंशियल है, यहां पर के लोगों में इस तरह की जीवंतता है, प्रतिबद्धता है, जिस तरीके का यहां का हुनर है, मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर हम रोजगार की दृष्टि से भी इस प्रदेश को अग्रिम पंक्ति पर ले जाने में सक्षम होंगे। साथियों, हमारा एक ही मकसद है कि जितनी भी देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जो जनता से चुनी हुई है, उन संस्थाओं के अंदर लोगों की सक्रिय भागीदारी तो हो सही, लेकिन उनकी बैठक, उनकी कार्रवाई सुचारू रूप से चले, जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं की वहां चर्चा हो, संवाद हो, नीतियां और कार्यक्रम बनाते समय देश की सबसे बड़ी पंचायत को
देश की सबसे छोटी संस्था पंचायत के सुझाव मिले, ताकि उस जनभावनाओं की अपेक्षा आकांक्षाओं के आधार पर देश में नीतियां बनेगी, कार्यक्रम बनेंगे, कानून बनेंगे, तो उससे देश की जनता का कल्याण होगा। ये सही कहा मनोज सिन्हा जी ने कि अब काम नीचे से चलना चाहिए। जब तक हमारी छोटी इकाई ग्राम पंचायत की लोकतांत्रिक संस्थाएं सशक्त नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, हम देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त मजबूत नहीं कर सकते। और इसीलिए हम पूरे देश के अंदर इन संस्थाओं के मजबूत करने के लिए कार्यक्रम बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, आपके साथ संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, देश के अन्य राज्यों के साथ संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, सारे जनप्रतिनिधि, पंचायत राज के सब राज्यों के जनप्रतिनिधि आपस में चर्चा करें, संवाद करें, बेस्ट प्रैक्टिसेज को अपनाने का काम करें, अपने अपने गांव में जिस तरीके का विकास उन्होंने किया है, आदर्श पंचायतें बनाई, आदर्श गांव बनाए, उन विचारों अनुभव को साझा करें। ये देश के लोकतंत्र की ये विशेषता है कि हम विचारों अनुभवों को साझा करते हैं और अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस को अपने आप ही अपनाते हैं, और यही हम सामूहिकता से काम करने की आवश्यकता है। जब देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं अपने अपने संस्थाओं में किए गए अच्छे कामों अनुभवों को साझा करेगी, तो हम जनता के प्रति और जवाबदेह होंगे और जनता के प्रति और उनकी जीवन में परिवर्तन ला सकेंगे। और इसीलिए लोकसभा ने जिम्मेदारी उठाई है। मुझे आशा है जिस तरीके का उत्साह यहां पंचायत राज प्रतिनिधियों में है, डीडीसी का अभी चुनाव हुआ है लेकिन उसके बाद बीडीसी का भी चुनाव हुआ है, लेकिन सभी संस्थाओं के जनप्रतियों में जिस तरीके का उत्साह है, उमंग है, काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, प्रतिबद्धता है, उनके मन में विचार है कि मेरा गांव, मेरी पंचायत, मेरा क्षेत्र विकास की दृष्टि से आगे हो, ये आकांक्षा उनके मन में जागी है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भारत की संसद आपके साथ है, हमारी प्राइड संस्था सभी संस्थाओं से मिलकर एक एसओपी तैयार कर रही है किस तरीके से हमारे सदन चलें, उनमें व्यापक चर्चा हो, संवाद हो, उसके लिए भी आप सबके साथ मिलकर संवाद कर हम नियम प्रक्रियाओं की पद्धति बनाने का काम कर रहे हैं। फिर प्रदेश की संस्थाओं से बात करेंगे, प्रदेश की सरकारों से बात करेंगे, ताकि एक समान पद्धति से हम सदन चलाने की नियम प्रक्रिया बना सके। अलग अलग भौगोलिक स्थितियां होने के बाद भी हमारा एक सामूहिक कार्यक्रम हो जिसमें सबसे ज्यादा हम कैसे जिंदगी लोगों की परिवर्तन कर सकते हैं, इस लक्ष्य के साथ ये संस्था काम करें। मैं इस मौके पर आप सबको विशेष रूप से शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि आप दूर दराज के इलाके से यहां पर आए हैं। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आप में नई ऊर्जा देगा, कार्य करने की नई प्रेरणा देगा, आप नई ऊर्जा, नई उत्साह के साथ
अपने लोगों की बेहतरीन के लिए काम करेंगे, उनकी जिंदगियों को बदलने के लिए काम करेंगे और उनके साथ मिलकर समाज के सामाजिक आर्थिक विकास के परिवर्तन करने में सहयोग करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।